रिटर्न का नाम देते हैं। कौन सा वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे एनपीवी जीरो हो जाए, उस रेट को हम आईआरआर का नाम देते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट फॉर विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। कैलकुलेट करें, वो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें जिसके ऊपर जो एनपीवी जो है वो जीरो हो जाती है, उस रेट ऑफ रिटर्न को जो है वो हम कह देते हैं कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज आईआरआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज द आईआरआर। अब ये फिर हमने उस आईआरआर के लिए जो है वो कैलकुलेशन का मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपने मुझसे? चलें जी, आज का जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली आईआरआर नहीं है, उसको उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। पढ़ते एग्जाम्पल है क्या कहता है, फाइंड द डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कंपाउंडिंग की बजाय प्रोसीजर कह देते हैं डिस्काउंटिंग का, और इंटरेस्ट रेट की बजाय उसे कह देते हैं डिस्काउंट रेट। कहता है फाइंड द डिस्काउंट रेट एट विच, अगर तो वो कह दे एनपीवी जीरो तो फिर इस डिस्काउंट रेट को कहेंगे ये आईआरआर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है फाइंड द डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस ऑफ द टू कंपनीज आर सेम, ये आईआरआर तो नहीं है, वो तो जो एनपीवी को जीरो करे, और एक कंपनी कहता है ये दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, कहता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कि दोनों कंपनियों की जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो सेम हो जाए। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूं तो मैं इस वक्त कह रहा हूं फाइंड आई इंटरेस्ट रेट फॉर विच, अगर तो कहा जाए एनपीवी जीरो, एनपीवी जीरो तो नहीं है, वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस इनकम कंपनी ए की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फॉर कंपनी बी, क्या दोनों हो जाए बराबर, ये तो फिर इक्वेशन बन गई। कंपनी ए की प्रेजेंट वैल्यू कंपनी बी की प्रेजेंट वैल्यू दोनों सेम हो, कहता कितना इंटरेस्ट रेट होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को लिखें, अगर आप लिखें तो है दोनों में इनफ्लोज, एक्सपेंस तो है कोई नहीं, तो इसकी जरा बनाए ना प्रेजेंट वैल्यू 600 वन प्लस आई बाय एम टू द पार माइनस वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो फाइंड करना है, प्लस 900 वन प्लस एक्स टू द पार नेगेटिव टू, प्लस 1200 वन प्लस एक्स टू द पार नेगेटिव थ्री। ये तो हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी ए, 3 साल है उसकी, उसकी 3 साल इन्फ्लोस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो मैंने तीनों की जो है वो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी। इसी तरह से इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी बी 600 वन प्लस एक्स टू द पार नेगेटिव वन एंड सो ऑन, और लास्ट पर आ जाएगा 900 इंटू वन प्लस एक्स टू द पार नेगेटिव फोर। लंबी चौड़ी इक्वेशन है ना, हम इसे कैलकुलेटर पर फिट कर देंगे एज इट इज, ये फिर इसको और सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ये एक्चुअली कैलकुलेटर के बगैर हो ही नहीं सकता था, पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन जब आप कैलकुलेटर की फैसिलिटी दी हुई है अब आ रहे हैं। चलें करें इसको फीट, इस इक्वेशन लिखनी है, इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी ए मस्ट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी बी
सॉल्व कर ले इसको फॉर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, इसके लिए चले करें इसको टेम्प पर, मुझे जल्दी से आंसर दिखाएं। शाबाश। तो ये भी एक ट्रिक है कि आप इन दोनों को पहले माइनस कर लें, फिर इन दोनों को माइनस कर लें, इनको माइनस कर लें या नहीं इनको माइनस कर लें, जब ये आंसर आ जाए ये आंसर जो है इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ आर्गुमेंट के आसपास से आंसर। हाँ जी ठीक है, चले अब एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है खुद, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है जी 1059, ये वाला 1059 ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। यहां तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जल्दी से आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। शाबाश, जल्दी से। इस क्वेश्चन के मुताबिक सुना 3 मिलियन जो है वो इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रेट वॉज 10%, यानी कि पहले साल उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी की थी उसका 10% वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, 12%, दूसरे साल 12%, 14%, तीसरे साल 14%, पर ईयर हर साल कहता है, लेकिन वो सेम नहीं है। पहले साल 10% इंक्रीज आई, फिर 12% आई, फिर 14% आई फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एनपीवी इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। पहला फर्क, आपको जो पहले मैंने प्रॉब्लम्स करवाए उसमें क्या होता था कि आपको एक्सपेंस दे दिया, इनफ्लो आउटफ्लो, या एक्सपेंस और पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल इनफ्लोस बताए उसने अमाउंट की फॉर्म में कि जी 5,000 या 10,000 या 15,000 कुछ ऐसे, और एनपीवी पूछ लिया, यही था ना, एनपीवी पूछ लिया। अब उसने जो आपको इनफ्लो बताए हुए हैं वो एक्चुअली अमाउंट फॉर्म में नहीं बताए, रुपयों में नहीं बताए कि यदि इतने 15,000 रुपया उसका इनफ्लो है पहले साल का, 20,000 इनफ्लो है दूसरे साल का, 30,000 इनफ्लो है तीसरे साल का, इस तरह से नहीं बताया उसने इनफ्लो, ठीक है ना। अब इस तरह से चूंकि उसने इनफ्लो नहीं बताए, उसने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट थी, कहता जी वो पहले साल वो इन्वेस्टमेंट में 10% इंटरेस्ट इंक्रीज की। इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि ये 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, पहले साल के बाद इनफ्लो जो होगा वो ये बनता है 10% इंक्रीज होगी, ये पहले साल के बाद इनफ्लो इतना हो जाएगा। अब ये अभी इन्वेस्टमेंट चलती थी 3 साल के बाद हमने प्रेजेंट, जब यही इन्वेस्टमेंट दूसरे साल में जाएगी तो इन्वेस्टमेंट अब उसकी इतनी हो चुकी है, दूसरे साल में इसमें कितना इजाफा होगा 12%। अब उसकी 2 साल के बाद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन्वेस्टमेंट इतनी है। अब कहता जब तीसरा साल होगा इस इन्वेस्टमेंट में, ये अब उसकी ओरिजिनल है और इसमें इतनी फिर इंक्रीज हो जाएगी, कहते जी 3 साल के बाद इतनी उसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी, ये होगा 3 साल के बाद उसके पास बिजनेस से इतना इनकम आएगा, बढ़ती जा रही ना। ये तो नहीं है कि उसने 1 साल के बाद इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई और उसने कह दिया जी ये इनकम निकाल ली उसने, ये तो नहीं है। उसके पास ये इन्वेस्टमेंट फिर इतनी बढ़ गई 3 साल के बाद उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में होगी वो इतनी हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगी, 3 साल के बाद होगी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि 3 साल के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है 3 मिलियन, ये बढ़ते 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 कितनी हो चुकी है, 3
मल्टीप्लाई बाय 1.1, मल्टीप्लाई बाय 1.12 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.14। चार अशारिया 2, 1, 3, 4, 4। चार अशारिया 2, 1, 3, 4, 4। उसने जो 3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट की थी, 3 मिलियन की, वो बढ़ते 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 जो है वो 4.21344 मिलियन पर हो गई। आप कहेंगे जब ये 3 साल पूरे होंगे तो ये उसे उस बिजनेस से इनकम मिलेगी, इनफ्लो एक्चुअली मिलेगा। अब उसने कहा एनपीवी फाइंड करें। एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एक्सपेंस। ये है प्रेजेंट, ये है इनकम जो उसको मिलेगी 3 साल के बाद। लेकिन ये तो 3 साल के बाद है, इसकी बनानी पड़ेगी आपको क्या, प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले तो हम इसकी बनाते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आपको बनानी है उसका रेट वो ये नीचे दिया हुआ उसने, दिस वन कहता 10% से बतानी है। एनपीवी बनाना है जो उसके लिए रेट कहता 10% यूज करना है। तो पहले तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे, फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 10% के हिसाब से। कितनी देर पहले? 3 साल पहले। तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। तो इसी को ही हम ले लेते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम हमारे पास, हाँ इधर कर देते हैं हम इसको, दिस वन। इसी को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1 टू द पावर नेगेटिव 3। तो 3 साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये तो होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कितनी, इनकम। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है, 3 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं और इससे माइनस 3 कर दें प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंस, तो ये आपके पास कितने कितने मिलियन की, मिलियंस में है ना, ए कंपनी सेट्स 3 मिलियंस, बिल्कुल ये मिलियंस में है। तो इतने मिलियन 0.1656 मिलियन जो है ये इस कंपनी का एनपीवी है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम कहेंगे इस कंपनी को इसमें फायदा। लेकिन यहां पर ये 0.1656 मिलियन, तो हमारा कितना आ रहा है 0.1656 मिलियन, ठीक है ना। तो ये यानी कि इसमें और बाकी एग्जांपल्स में एक्चुअली एक डिफरेंस क्या आया है, वहां आपको ना हर साल का इनफ्लो बुलाते बताते थे अमाउंट की फॉर्म में, 15,000 यहां मिल गया, 20,000 यहां मिल गया, 30,000 यहां मिल गया। ये कहता है कि जी जो एक्सपेंस किया था वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब हर साल तो नहीं वो पैसे मिल रहे, 3 साल के बाद बढ़ के उसकी उसकी इन्वेस्टमेंट समझ या इसकी इनकम समझ बिजनेस में इतनी हो चुकी है। पहले तो आपने वो कैलकुलेट किया। इस फॉर्मूले में 3 मिलियन इसकी फ्यूचर बना ली ना, 3 साल के बाद देख तो ले इसके बिजनेस में कितने पैसे हो चुके हैं, कितने आफ्टर हाउ मच ईयर, 3 ईयर। अब उसको 10% डिस्काउंट रेट से आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू बना, ये पता। इनकम एक्सपेंडिचर कितना, 3 मिलियन। नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, और आपके पास एनपीवी आ गया 0.1656। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आ रहा, पहले मुश्किल था अब आसान है। तो केयर करनी है कि क्या उसने आपको जो इनफ्लोस दिए हुए हैं वो कोई मैग्नीट्यूड्स में दिए हुए हैं, या जो एक्सपेंस है उसी को ही आपने मुख्तलिफ परसेंटेज से बढ़ाते जाना है और जाके वो आउटफ्लो बन जाएगा, और उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट रेट से आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे।
ये भी अब आसान है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी हुई है, ये एक्सपेंस है और तीन इनफ्लोज है, ये तो मैं किया भी हुआ, हम ये किया हुआ, और क्या था उसका आईआरआर फाइंड करना। तो एनपीवी और आईआरआर ये दो तरह के प्रॉब्लम जो है वो हम इस वक्त कर रहे हैं। कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, उसके रिलेवेंट कोई दो क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। चलिए करें जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये वाला करे जल्दी से, देखे मैंने ट्रिक बताया कैसे करना आपने। कहता फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच इनफ्लोज ऑफ बोथ कंपनीज विल बी सेम, इनफ्लोज ऑफ बोथ कंपनीज वुड बी सेम। जल्दी से शाबाश, इक्वेशन की दोनों साइड पर रखनी थी और फिर सिंपलीफाई। अब इसको भी फीड करने से पहले आप कहेंगे सारे जीरो जीरोस भी तो काट लेते हैं, और हमारे पास जो अब फीड करने वाली एक्सप्रेशन रह जाएगी 197 वन प्लस एक्स, और ये क्या है फर्स्ट ईयर एक साल पहले, 1 + x - 2 1 + x - 3 786 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अदरवाइज तो फिर बड़ी आपको देर लगेगी ना। और इसको अब हम कैलकुलेटर पे फीड कर देते हैं, कैलकुलेटर पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव 197 प्लस एक्स और पावर नेगेटिव 1 प्लस नेगेटिव 111 प्लस एक्स पावर नेगेटिव 2 नेगेटिव 100 प्लस एक्स पावर नेगेटिव 3 प्लस 786 1 + x पावर नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन है ना। हम आप कहेंगे सॉल्व फॉर एक्स, जीरो पॉइंट 3 to 5 टू समथिंग, और अगर आप इसे परसेंटेज में ले लें तो 32.53% 32.53% सॉरी ये आ गया 32.25% उसने आई थो। अब देखें कि ये हमने जो कैलकुलेटर से किया, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो 53 बनता है 32.53 यहाँ तो कुछ और आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी बहुत जो है वो रॉन्ग है। और अगर हम फर्ज करें एग्जाम में आता है हमारा आंसर यही है, हमने बार बार चेक कर लिया है, तो फिर क्लोजेस्ट लगा दिया करें, क्लोजेस्ट नहीं बनता ना क्लोजेस्ट, उसने हो सकता है मैनुअली किया हो, राउंडिंग कर करके उसने किया हो, हमने सारा कुछ ही कैलकुलेटर को दिया विद मिनिमम राउंडिंग, तो हमारा आंसर ये आ रहा था, उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा था, तो इस तरह से हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा यहाँ तक
आपका ये जो फाइनेंस का चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब रहेगी इसकी हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में अब आपने क्या करना है कि कल तक, क्योंकि ये दो 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 दिन हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका कंप्लीट कोर्स माइंड अप हो जाएगा। तो एक्सरसाइज आपकी इसकी रहती है, तो वो हम देख लेते हैं ये कहाँ से इसकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो रही है। बिजनेस के इसकी जी एक्सरसाइज शुरू होती है 9% इंक्रीज इन द रेवेन्यू और प्रॉफिट चैप्टर 10 जो भी उसने अपना चैप्टर का नंबर दिया, हम तो खैर किसी और तरतीब से चैप्टर देख रहे हैं। आपने कल के लिए 990 इधर से स्टार्ट कर लेना है और 1050 तक आपने कर लेना। 60 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे, शायद चंद क्वेश्चन आपको करने पड़े 950। ये क्वेश्चन आपने जो है वो याद कर, तो स्टार्ट फ्रॉम 990, फाइनेंस का चैप्टर है। 990 से लेके और 1050, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, ये आपने कल अटेम्प्ट करने हैं। और कल कल हमें इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जी अस्सलामुअलैकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी आज का और कल का लेक्चर अपलोड करवा दिएगा। वो कल ना नेट बंद था तो समझ नहीं आई और आज भी समझ नहीं आई। चलें मैं आपको कुछ उत्तर को बोलता हूँ। सर जी लाजमी करवा दिएगा। बहुत चलें शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं व्हाट्सएप पे, मुझे कोई बच्चा मैसेज किया जा रहा है कि जी मेरे पास ये कैलकुलेटर है और फलां फलां चीज नहीं चल रही, शायद कोई वो हैंड रेज कर सकता है, वो कौन, वो कोई कैलकुलेटर के मतलब कोई क्वेरी कर रहा था वो व्हाट्सएप में मेरे साथ, कोई हैंड रेज कर सकता है वो कौन था ताकि मैं उसको बता सकूं। कोई भी नहीं था, वैसे तो यार बार बार वो व्हाट्सएप किए जा रहा है कि मेरा कैलकुलेटर को पता नहीं क्या हो गया है, और अब वो कहता है कि नहीं चुप कर दो, देखूं मैं उसको। मोहम्मद अकील है कोई, कौन है जी अकील, आज क्लास पढ़ रहा है? पढ़ रहा है अकील साहब, अपना माइक तो ऑन करो करो आप अकील। हेलो जी, क्या प्रॉब्लम, क्या आपको आपके कैलकुलेटर का, सर, वो आपका ना कैलकुलेटर मैंने देखा था, उसकी अल्फा वाली जो कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई के ऊपर वो नहीं शो हो रहे थे। वो मैंने कहा शायद इसका कोई मसला ना हो, ये चेंज करना पड़े मुझे। नहीं ये देखो ये अल्फा कह रहे हो, आपके यस सर, कैलकुलेटर पे ये अल्फा लिखा हुआ यस सर, है, लिखा हुआ है। इस अल्फा की से इसको प्रेस करके क्या चलना है, ये देखो हर की के ऊपर तीन चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं इस बिंदु, जी जी बोलिए, सर ये मेरे पास जो है उसके ऊपर दो लिखी हुई है, ये शिफ्ट वाला कॉम्बिनेशन है, अल्फा वाला नहीं है। नहीं क्या आपके पास जो फर्ज करें, आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, आपके ब्रैकेट, क्या यस सर, इस ब्रैकेट की साइड पर कॉमा लगा हुआ है, यस सर, इस साइड पर एक्स लिखा हुआ है, यस, ठीक इसका मतलब है इस की में तीन चीजें हैं। अगर है। मैं इस की को डायरेक्ट प्रेस करता हूं तो इसने ब्रैकेट प्रेस करनी है, ये देखें हुई ना ब्रैकेट प्रेस। यस सर, अच्छा, मैंने कॉमा प्रेस करना है
कॉमा ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर में है शिफ्ट के शिफ्ट, साथ होगा। शिफ्ट प्रेस करूंगा फिर ये प्रेस करूंगा, इस पर कॉमा प्रेस होगा। यस सर। दो हो गए। तीसरा यस सर। रेड कलर में एक्स और रेड कलर में अल्फा है, अल्फा की प्रेस करूंगा उसके बाद एक्स प्रेस, एक की प्रेस करूंगा तो एक्स होगा। यस सर। तो है ना फिर सर लेकिन ये जो डिवाइड के ऊपर है ना एलसीएम का ऑप्शन, जी ये नहीं है शो हो रहा, ना इंटीग्रेशन का हो रहा है, शिफ्ट, वो है ही नहीं, ये देखो एलसीएम, ये है ही नहीं उसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं है, यानी कि जो सिर्फ आपके पास, एनसीआर है। जो आपके कैलकुलेटर, तो कोई बात नहीं, एलसीएम वाला क्या करना है, ये छोटी सी बात है, रहने दो, मैंने आपको बताया और ना ये, जी। और क्या, और ये जो है प्लस के ऊपर माइनस और मल्टीप्लाई के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं शो हो रहे, ये ना लो के ऊपर जो है वो शो हो रहा है, ये एनसीआर नहीं है। ने ये है सर। अच्छा और क्या नहीं है फिर, और ये जो लोग वाला है इसके ऊपर जो आ रहा है अल्फा का कॉम्बिनेशन, ये नहीं है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक हो गया, शिफ्ट के साथ ये आ रहा है। यस सर। तो बाकी आपने क्या करना, वो मैंने यूज ही नहीं किया, ये मैंने यूज सर किया। सर मैंने कहा शायद कहीं वो जरूरत ना पड़ जाए, वो मेरे पास जो हो वो रेप्लिका हो या फिर, नहीं मैंने यूज ही नहीं किया इसको ना, ठीक ये की यूज नहीं की, एलसीएम बड़ा रेयर मैंने किया, एलसीएम आप, मैंने तो यूज ही नहीं किया, मैंने तो वैसे ही बर्बली कर दिया है, बस आपके पास ये इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का आता है ये वाला, यस सर, ये भी आ बस रहा है। ठीक है, दैट्स ओके, बस ठीक है, कोई की खास मिस नहीं है, बस ऐसी फजूल सी एक दो मिस है, वो हमें हमें ऐसा जरूरत भी नहीं है, हमने यूज भी नहीं की, तो कोई कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने कैलकुलेटर को चेंज करें, दैट्स फाइन, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी और किसी ने कुछ चीज मुझसे पूछनी हो, या कल कल के मतलब जी, कल हमने एक्सरसाइज करनी है तो उसके रेलेवेंट अगर कोई चीज किसी ने करनी हो तो पूछ सकता है मुझसे। चले ठीक है जी, फिर आज की क्लास इतनी कर लेते हैं, तो आपकी जाने से तो कोई क्यूरी नहीं है। अच्छा जी, कोर्स में आप तरफ थोड़ा सा प्लान आपको बता दू, आपकी क्लासेस रेगुलर क्लासेस जो चलेगी वो अप टू सैटरडे चलेगी, क्यों, इस दौरान मैंने आपसे ये फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस का चैप्टर हमने कर लिया है लेकिन अभी उसकी हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो उस फाइनेंस की हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर, इसके बाद आप समझ लेंगे कि मैं आपकी अब क्यूरीज के आंसर करूंगा, रिवीजन तो नहीं कहनी चाहिए, रिवीजन तो एक डिफरेंट वर्ड है कि जिसमें आप कहते हैं जी फिलहाल चैप्टर जो है ना जरा दोबारा से शुरू कर, ये रिवीजन होती है ना, वो नहीं मैं करूंगा रिवीजन। अच्छा उसमें आपको अब चूंकि आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आप रेडी होंगे, तो मैं फिर क्वेश्चन नंबर लिख दिया करूंगा, जी यहां से लेके फ्रॉम और टू, ये हर फिर मतलब देख लेंगे हम, मुझे आपका आइडिया नहीं, मैं पता कर लूंगा कि कितना का आपका वो टाइम गैप होगा, एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, डेली क्लास करनी पड़ेगी तो फिर हम डेली किया करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होगा तो फिर एक दिन गैप के साथ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करे लिख दिया करूंगा, ऐसे ही जैसे मैं कहूंगा 1 से लेके 150 तक या 100 तक, हमारे जेब में है कि हमारे पास टोटल 1300 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इस तरह से फिर हम रोजाना ताकि सबको पता हो, और बुक जो है सबके पास वही होनी चाहिए जो मेरे पास है, ताकि नंबर मिसमैच ना हो, तो मेरे पास जो बुक है वो ये बुक है जिसमें 1296 क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल, ठीक है ना, वरना फिर नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, आप भी कंफ्यूज होते रहते हो ये कहाँ पर है, और मैं भी, मुझे भी ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारा हमारा होगा सैटरडे तक आपकी रेगुलर क्लासेस सम्मिलित चलेंगी, और सैटरडे के बाद मेरी तरफ से सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर शायद मैं कॉलेज वालों से डिस्कस करके आपको एक दो दिन का गैप दूं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर ले, और फिर ये
क्वेश्चन जो है इस बुक के हम 1 से लेके ऑनवर्ड जो है वो सीक्वेंस में जो है वो पढ़ते स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मैं समझता हूँ कि आपके रेलेवेंट नहीं है, वो मैं आपको क्रॉस करवा दूंगा कि नहीं जी ये आपके लेवल के नहीं है, उसने इधर उधर से उठा के इसमें कर दिया है। और एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, वो आपने रिग्रेशन में भी देखा था, लेकिन चले कुछ तो है ना हमारे पास। मैं तो नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, अगर 1200-1300 क्वेश्चन है उसमें तो 5-7 में अगर कोई मसला आ भी रहा है तो बाकी तो चले प्रैक्टिस तो करें ना, तो काफी है, सफिशेंट है कि ये अगर आप कर लेते हैं तो पास होने के लिए कम अज कम सफिशेंट होंगे आपका पीरियड, क्योंकि पास होने के काबिल होंगे। ठीक है जी, चले अब इंशाल्लाह कल कल आपसे मुलाकात होगी। सर स्टरडे से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं या फिर ऑनलाइन? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फिजिकल क्लासेस का है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है ना उनमें उन शहरों के लिए की है यहाँ पर कोरोना का जो रेट है वो less than 5% है। फैसलाबाद में तो 13 है कि 15 है पता नहीं, आज का नहीं मुझे पता। ये सिर्फ उन इलाकों के लिए फिजिकल क्लासेज उन सिटीज के लिए कर रहे हैं यहाँ पर जो कोरोना का पॉजिटिव होने की जो शरह है, मतलब क्या 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो 5 लोगों में से कोरोना आ जाता है, रैंडमली टेस्टिंग करते हैं ना वो, जैसे आपने भी सैंपलिंग में पढ़ा तो वैसे ही है। मसल एक वो क्या किया, जब स्कूल चल रहे थे गवर्नमेंट की टीम आई स्कूल में, गई स्कूल में उस वक्त तो 400 बच्चे होंगे, उन्होंने जाके हेडमास्टर साहब को कहा कि आप जरा मुख्तलिफ क्लासेस से हमें ऐसे चले गए क्लास में ऐसे, चलो बेटा तुम बाहर आ जाओ तुम बाहर आ जाओ, कहते जी को 10-12 बच्चे उन्होंने बाहर बुला लिए और उनके टेस्टिंग कर दी, उसमें से 3 निकल आए तो वो 1% निकाल ली उन्होंने, वो जी ये तो 15% से ऊपर आ गई है, स्कूल बंद कर, सबके तो नहीं किए, किट महंगी है कर भी नहीं सकते थे, तो इसे हम कहते हैं रैंडम टेस्टिंग करना। तो इस तरह से वो जब क्लास में या इस तरह से रैंडम टेस्टिंग में उन्हें अंदाजा हो जाता है जी कि जाहिर है अगर ज्यादा लोगों का कोरोना है तो टेस्ट में परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो फैसलाबाद की नहीं है एक्चुअली, इसमें फैसलाबाद मुल्तान आई थिंक लाहौर इस्लामाबाद इसमें अभी भी आल्दो बड़ी कंट्रोल अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी जरा पॉजिटिव रेशियो ज्यादा है, तो इनके नहीं खुल रहे तो वो बाकी जिनके काम है ना उनके स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। ये 7 जून को प्लान है और उस वक्त से पहले पहले तो हमारा वैसे ही सारा ऑफ हो जाना खत्म हो जाना। पेपर से पहले कुछ दिन जो कैफ की हमारी क्लासेस चल रही है वो ऑफ होंगी हमारी या फिर नहीं? नहीं बेटा कैफ की क्लासेस का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं आपको एएफसी के साथ डील करता हूं ना, तो ये नहीं मुझे आइडिया, आप कुजूम साहब या मैपशाजिया को पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एएफसी लेवल पे आपको टीच करता हूं तो मेरा कैफ के साथ है कोई आइडिया नहीं है तो क्या उनकी स्ट्रेटजी है, आप उनसे पिक कर। चले जी ठीक है, ओके जी अल्लाह हाफिज़।